हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप लोग बढ़िया होंगे ऑलरेडी। तो आज हम लोग चल रहे हैं एकदम, मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, बाद में बताऊंगा, नहीं सीधे आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। बिल्कुल वो ताजमहल जैसी दिखती होगी। सही सुना आपने, ताजमहल जैसा, मतलब पूरा पूरा नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत दिखता है। तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे बने रहे हमारे साथ। सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना, ओ मेरे तू आशिक रहना, आशिक रहना। ओ सजन रे पास तो आना, ना कभी मुझे छोड़ के जाना। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपनी लोकेशन पर, और आपका सरप्राइज है आपके सामने। तो गाइस देखिए आप लोग पीछे, भाई साहब कितना बढ़िया नजारा है। तो हम लोग बहुत दूर चल के आए अपनी मेहनत से, देखिए आप लोग। तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कमल लिटिल क्लोज। तो गाइस कैसा लगा आप लोग को ये जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ताजमहल में आ गए, ताजमहल की बिल्कुल टू कॉपी है। तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। How could you leave, 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 बिन तेरे किड़ धा, धा, धा। How could you leave, बिन तेरे किड़ धा। तो गाइस आप लोगों ने सिनेमैटिक्स में देखा ही होगा यार, इतना वीआईपी मंदिर है ना, इतना वाइड रखा है ताजमहल से भी ज्यादा। ताजमहल से तो कमी होगा क्योंकि उसकी रिपेयरिंग चलती रहती है, इसकी पता नहीं चलती होगी कि नहीं, लेकिन यार और इसे बनाने में कम से कम 4-5 साल लग गए होंगे, और 4-5 खोखे भी लग गए होंगे, या फिर उससे ज़्यादा, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने पहली बार देखा यार। तो गाइस अभी आप लोग को मैं अंदर भी ले चलता हूँ थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले जो है अपन लोग पीछे के साइड चलते हैं। अंश भाई अब कुछ बोलना चाहेंगे अपनी पब्लिक को? है धूप की मारी, तो यहाँ पे काफी धूप है, और अंश भाई की ऐसा लग रहा है जैसे थोड़ा सिर दर्द होने लगा है। तो गाइस आप लोग हमारे पीछे देख सकते हो कि कितने बड़े बड़े फ्लावर लगे हैं, इनकी देख रेख बहुत होती है इसलिए ये इतने बड़े हो पाते हैं, वरना ये हाल मुरझा जाते हैं। घर में लगाओ तो घर में तो 10 दिन में कुछ भी नहीं होता, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं। तो गाइस अभी इस मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, देखिए आप लोग, अभी भी पूरा नहीं हुआ समझो आप लोग, बहुत बड़ा मंदिर है। तो गाइस अभी भी टाइलों वाइलों का, पत्थरों वत्थरों का वर्क चल रहा है, मतलब जो दीवारों में डिजाइन बनाई जाती है ना टाइलें वाइले से, वो वर्क चल रहा है इधर पर। देखिए मशीन वसीन चल रही है अभी इसके पीछे, अभी भी बहुत टाइम लगेगा लगता है इसमें। और देखिए आप लोग पीछे का नजारा, गाइस हम लोग पीछे पूरा घूम आए हैं, लेकिन वही बंदा घूम सकता है जिसके पास ज्यादा ही टाइम हो, क्योंकि हम लोग ने इतनी जल्दी जल्दी घूमा ना क्योंकि टाइम ही नहीं है। इसके लिए आराम से 2-3 घंटे आराम से घूमो, देखो, बैठो, एंजॉय करो, तब जाओ, लेकिन हम लोग 1 घंटे में जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं, सब कुछ कवर करना है। तो गाइस अभी हम लोग अंदर जाने वाले हैं, उधर पर फोन या फिर बोलना ज्यादा अलाउ नहीं है, तब भी आपको चुपके चुपके थोड़ा बहुत दिखा देंगे, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि सीसीटीवी कैमरा लगे हैं सब। तो गाइस हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखिए के गेट में ना इतनी बढ़िया बढ़िया एडगेट चीज़ें हैं, एकदम मस्त मस्त यूनिक सी चीज़ें लगी है ना, बहुत बढ़िया गेट लग रहा है देखने में, एकदम यूनिक टाइप का। तो गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, तो धीमे धीमे बोलना पड़ रहा है क्योंकि कोई आ ना जाए। देखिए आप लोग पीछे कितना बढ़िया बाबा जी का महल है, लेकिन धीमे धीमे इसलिए बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग ज्यादा आवाज करते हैं ना, इतना बोलते हैं तो उसमें ईगो इतनी रिफ्लेक्ट होती कुछ कहने। ओ बलमा क्यों, ओ तूने मेरी ढोल बजा दे, ये ऐसे कैसे नाचना चाह दे, ओ मेरे तू दुश्मन होना दुश्मन कैसे, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज, तू मेरा रोज कम लिटिल क्लोज। तुझे वादे दिए, कितने वादे दिए,
तेरी याद सताए रात रात, तेरी याद सताए रात रात। तो गाइस अभी फटाफट से चलते हैं, अंस भाई यहाँ पे बैठे हैं हमारे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि हम लोग का टाइम हो रहा है और घर से फोन भी आने लगे हैं एक दो। तो आज के लिए बस इतना ही है। चैनल को अगर वीडियो पसंद लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।